हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने नानी के घर आई हूँ सकलडिया बाजार। तो हम लोग वहाँ पे दो दिन लगातार थे, तो मैं 10वें दिन यहाँ पे पोखरे पे, जिसे उनके यहाँ पे पोखरा का नाम है, वहाँ पर रावण जलती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, सब लोग आते हैं, तो मैं भी आई हूँ। मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं इसको छत पर से शूट की हूँ, मंदिर के छत पर से। मुझे बहुत मज़ा आता था गाइस। कौन कौन सा कर लिया है वो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर से मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और सकलडिया मेरे नानी घर, आपको मैंने बहुत बार बता भी चुका है, यानी मेरे मम्मी का मायका वहाँ पर है। हम लोग नानी घर हमेशा जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। नानी घर मेरा बहुत दूर पड़ता है, जौनपुर से 3 घंटा का रास्ता है, और हम लोग जाते हैं तो हम लोग अक्सर जल्दी सुबह नहीं जा निकलते, जैसे कि रात हो जाती थोड़ी बहुत। हम लोग ये जल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। वीडियो आप एडिट कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले रामलीला होता है, फिर रावण जलता है। पहले रामलीला का तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि उस दिन मैं आई नहीं थी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो नहीं करके देती ना। स्टार्टिंग अगर बनाती तो मैं यूट्यूब पर पक्का डालती, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से बनाया ही नहीं था। स्टार्टिंग में मैं आई ही नहीं थी। रामलीला 7 पूरा 9 दिन तक लगातार चलता है, और हमारे नानी के घर 9 दिन तक कभी वो होता है, बहुत मज़ा आता है। इस बार हम लोग सिर्फ 3 दिन के लिए नानी के घर आए हैं, नहीं तो हर साल हम लोग 1 महीना ऐसे करके आते हैं। तो हम लोग अपने जौनपुर का भी मूर्ति देखने के लिए देखे थे, बाकी क्या 8 दिन, बाकी के 7 दिन अपने जौनपुर की मूर्ति देखे थे, और बाकी के 3 दिन अपने नानी घर की मजा उठाए थे। और जौनपुर का कौन कौन जौनपुर का रहने वाला वो भी कमेंट करेगा गाइस। और ये देखिए रावण जल नहीं रही है, फिलहाल जल चुका, सब लोग वीडियो बना रहे। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए मैं बीच में थोड़ा नीचे उतर आई थी। ये देखिए सब बच्चे, बाप रे बाप। देखिए मैंने पूरा घुमाकर वीडियो को शूट किया, मैं तो शूट नहीं कर पा रही थी, मेरा भैया था वो बोला कर रहा था बस शूट करो तो खो जाओगी। मैंने फिर भी शूट किया, देखिए पुलिस भी खड़े हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है ना, मैं आपको घुमा कर दिखाऊँ। अब रावण भी फिलहाल जर चुका है लगता है, अब इतना ज़्यादा भीड़ लगा आप देख लीजिए, पूरा वो सब छत पे से खड़े होकर देख रहे, उस साइड से उस साइड। ये देखिए दादी ओदी सब कोई आया है, ऐसा कोई जैसे सकलडिया में ऐसा कोई है नहीं। सकलडिया का बस यही मज़ा होता है ना, 9 दिन तक 9 रूप बदलता रहता है, बहुत मज़ा आता है वापस, इसलिए वहाँ पे वो हमेशा जाते, एक दिन नहीं मिस होता। लेकिन एक बार मिस हो गया था, मेरा तबीयत ख़राब था। तो ये देखिए, तो ये देखिए पूरा वहाँ से कितना सब छत पर 10-10, 20-20 लोग खड़े, बाप रे बाप। तो ये देखिए ये जल रहा है, रावण दहन हो रहा है। अब आज का वीडियो मेरा इधर ही ख़त्म होता है, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा ड्राइंग का लाऊं वो भी कीजिएगा, और जिस मैनल चैनल को सपोर्ट हमेशा करते रहिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। कौन कौन सकलडिया का रहने वाला वो भी कॉमेंट करें, और कौन कौन कहाँ से मेरा वीडियो देख रहा है वो भी कॉमेंट करें। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, और अब मैं आपको इतना सारा भीड़ के साथ दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए इतना मेहनत से वीडियो मैंने बनाया है। देखिए इतनी सारी भीड़ है, ये भैया हाय बोल रहे हैं, ये मेरे बाबा लगेंगे, मेरे मामा वीडियो बना रहे हैं, देखिए ये मेरे बगल के बाबा लगेंगे। चलिए बाय 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 बाय।